कॉपी यहाँ पे ना। ओके गणपति बप्पा मोरया एक्शन ब्लास्ट रैली भागो भागो जागो भागो घुसो अंदर घुसो अंदर घुसो अंदर घुसो कैरे तालियां। आइए शॉट देखिए, आइए शॉट देखिए। क्या बोल रहे हैं सर? गन शॉट है। On a family dinner with my mom, dad and brother, and my brother, he just casually asked, what are you doing next? I would like to invest in Wild Buffaloes. I said, why not for our next short film? So he said, tell me the subject. So I told him a couple of subjects and he was like, dude, this is something that I would like to invest. So I was like, oh great. Action! I was really excited about the climax, and you know, I'd seen the growth of Wild Buffaloes. I think as expected, Wild Buffaloes have outdone themselves in almost every aspect of the film, be it, you know, the production value, the cinematography, music, acting, everything has been really top notch. 110, kya karna hai? Special mention to Harsh Mishra, who was actually fantastic. The kind of CG work he's done in our film, it's amazing. एक चीज़ जो बेस्ट है दिव्यांश सर में वो है उनका नरेशन। तो सबसे पहले उन्होंने एक कमरे में बिठाया, लाइट ऑफ कर दी और सुनाने लग गए। नॉर्मली डायरेक्टर्स का एक सपना होता है टू वर्क विथ द एक्टर्स ही लव्स। इस बार ऐसा था कि मेरा सपना तो नहीं कहूँगा लेकिन मेरी चाह इतनी स्ट्रांग थी दैट आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विथ नवीन the actor. So it was the other way around this time. I was chasing him. Play the way you want. The rant is a phadak. Or fir phadak jana. Fir illa madar ni wait. Your only thing after that is Rishi ka madar. A short film which was treated like a feature, which was the best part. The way he narrated to me, आज तक ज़िंदगी में ऐसा मुझे narration किसी ने नहीं दिया। Working with Anshul for the first time, it was a great experience because मतलब he is never satisfied. I was so thrilled that that's exactly what Divyansh wanted. So I told him, you know, you're like a dream director for me because तुम exactly वही चाहते हो मुझसे जो कि मैं करना चाहता हूँ। खाली आँखों में जो एक smile आती है ना। जब मैंने फिल्म सुनी थी तो फिल्म अपने अपने कहानी इतनी खूबसूरत थी कि मैं ना नहीं कर पाया। वो जो sixth sense होता है कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के हिस्सा बन रहे हो और कुछ होगा इसमें करने के लिए, कुछ हो जाएगा। दैट वॉज देयर ऑन दैट गट कॉल, नोइंग दिव्यांश, नोइंग हिज वर्क, आई टुक दिस कॉल और वही हुआ। जब मैंने शूट किया तो दिव्यांश ने जिस तरीके से इस रोल को प्रेजेंट किया, यू नो, आई फील व्हाट आई हैव अर्न्ड, नॉट पैसा नहीं, we haven't earned too much money yet, but we have earned this, you know, when the actors are like, fine, we trust you, we're doing it, you know. Divyansh ne mujhe contact kiya aur maine sath kaam kiya aur bahut hi acha laga kaam karke. Abhi usne jab mujhe dobara phone kiya is film ke liye to bina kuch zyada sawal kiye maine seedha haan kiya. Maine kaha karna hai kyunki inhe samajh hai, bahut sulje hue log hain aur abhi bhi is pe bhi laga hi nahi ki hum log शूटिंग टाइप की कोई चीज कर रहे हैं। ऐसा लगा एक फैमिली है, आपस में सब काम कर रहे हैं और हंसते खेलते खाते काम हो गया और उसमें काम करने का मजा ज्यादा है। दिव्यांश, he really exactly know what he wants. मुझे वो खैर
बहुत सारे डायरेक्टर्स में भी वो बात होती, लेकिन दिव्यांश जिस तरह से ही सो यंग एंड द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग, जब डायरेक्टर 100% देते हैं तो आर्टिस्ट उसमें 20% तो मिला ही लेता है, तो उस हिसाब से हमने काम किया. एक्चुअली जो भी मैंने किया जैसे दिव्यांश ने बताया मैंने वैसे ही किया. आई होप यू गाइस लाइक इट. ऐसा लगा कि हम किसी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत ही वेल बिहेव्ड है. कंसिडरिंग द बॉडी ऑफ वर्क शी इज डन, शी इज बीन वर्किंग सिंस रियली लॉन्ग, हर बिहेवियर, एटीट्यूड, अप्रोच एंड ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस इज फैंटास्टिक. हां, एक्शन हो चुका है, आप उसको देख रही हैं. दिव्यांश had a very interesting idea for this, कि वो एक folk music लेकर के आया हमारे पास कश्मीरियत का. उसी के अराउंड हमने पूरा म्यूजिक कंपोज करने की कोशिश की. सो वी ट्राई टू डू दिस. अपनी अम्मी पे गोली चलाएगा? अम्मी दिव्यांश has this pattern in mind कि म्यूजिक क्रिएट करने के बाद ही आगे बढ़ना है. जो ये जो रैपो है बिटवीन द डायरेक्टर एंड द एडिटर एंड द डायरेक्टर एंड द डीओपी, ये बहुत ही कमाल का रैपो है. आई थिंक इसी के वजह से जो आपका वो टाइम वो काफ़ी कीमती होता है, आपका जो वक्त है, और उसको आप प्रॉपर तरीके से यू कैन मैनेज इट एवरीथिंग. सो आई थिंक दैट रैपो हेल्प्स टू कंप्लीट द एंटायर फिल्म आई थिंक इन अ प्रॉपर वे एंड इन अ प्रॉपर मैनेजमेंट. आई थिंक दैट मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सरफराज अली हसन खान, फैंटास्टिक सिनेमाटोग्राफर, तो बहुत अच्छा निर्देशन उन्होंने दिया. जो नरेशन देते हैं तो वो भी एक ऐसा नहीं देते कि नॉर्मली नरेशन जो लोग देते हैं, जब वो नरेशन देते हैं तो लगता है कि एक फिल्म एक हमें सामने विजुअल देख रही है कि हाँ यार ऐसा हो रहा है. इसमें मुझे ना कैमरा इसमें ऑप्टिमाइज हुआ मुझे मिला यूज़ करने के लिए, मास्टर प्राइम मिला, और दूसरा फाइनली इसमें पैंथर यूज़ किया हमने. तो वाइल्ड बफेलो में ये फर्स्ट टाइम पैंथर दिव्यांश बोले चलो यूज़ कर लेते हैं, हम इसके लिए बजट बना लेते हैं, तो पैंथर यूज़ करने मिला. हाँ, इसका मैं पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ आशुतोष जी को. उन्होंने बोला कि नहीं सरफा भाई जो आपको चाहिए आप यूज करो. जो एडिटर है शुभांकर, वो कमाल का बंदा, मेरे साथ कभी भी है ना काम करता नहीं हुआ, हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, और बाद में एडिटिंग में वो जो करता वो कमाल करता, सेट पर तो काम ही नहीं करता. दिव्यांश सर एक कमाल के राइटर हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं. टीम अच्छी है कि उन्होंने एक रखा है कि भाई काम के साथ साथ हंसी मजाक होना चाहिए. मैंने हमेशा बोला कि वो एक रावण आदमी, मतलब रावण मतलब वो रावण नहीं श्रीलंका वाला, तो रावण आदमी का सर कम नहीं होगी और इंशाल्लाह वो बढ़ेंगे, ऐसा हो जाएगा. तो दिमाग माशाल्लाह काफी दिया अल्लाह ताला ने उनको. सर वो सेट पे काम कैसे करता है? वो स्टूडियो काम करता है, सेट पे काम ही नहीं करता. बहुत अच्छा किया उसने, और एडिट तो अभी मैं देखूंगा कैसे लगे कैसे नहीं है. हो गया सर? थैंक यू.